नाबालिग लड़की को बहलाकर किया दुष्कर्म, नहीं हो रहा है कार्रवाई। बहरेच ननपारा थाना खैरी घाट के अंतर्गत एक घरा निवासी समा पुत्र बच्चन उम्र 15 साल को गांव के ही एक लोगों ने बहलाकर किया दुष्कर्म, नहीं हो रहा है कार्रवाई, कट रहे हैं इधर उधर चक्कर। लड़की ने बताया कि दिनांक 10/9/2020 को उसकी माँ और पिता उसके छोटे भाई की दवाई लेने रामपुर गए थे, तभी उनके गांव के ही एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद कैब पुत्र वारिस अली आए और लड़के से कहा तुम्हारी माँ ने बुलाया, फिर वो लड़की को लेकर ननपारा आए, फिर अपने दो साथियों सलीम पुत्र मुश्ताक व पप्पू पुत्र गौहर अली के साथ लड़की को बस ले जाने लगे तो लड़की रोने लगी। तब लड़के ने डराया, अगर रोए तो जान से मार दूंगा। फिर वो उसे दिल्ली ले गए जहाँ उसके दो साथी छोटे लाल पुत्र मुस्तकीम पहलवान उर्फ रफीक पुत्र मिराज अली थे, उन्होंने उसके साथ किया दोनों तक यौन शोषण किया और लड़की को डराया कि अगर किसी कुछ बताया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वालों को भी जान से मार देंगे। लड़की की तमाम कोशिश के बाद उन्होंने उसको वापस ननपारा छोड़ दिया, जिससे तैसे लड़की अपने घर पहुंची। तब परिजनों उसकी शिकायत थाने में दी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और परिजनों का कहना है कि विपक्ष लोग जान से मारने की धमकी देते हैं, परिजन न्याय लिए भटक है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। खास रिपोर्ट जायद मलिक, संवाददाता ननपारा से। क्या जा रहा है, आइए हम सुनते हैं लड़की से उसकी आप बीती बताइए। हमारा नाम है समा, गांव के नाम बच्चन, गांव के नाम घरा, जिला भराई, थाना खैरी घाट। आज से महीना भर पहले की बात है, हमारे मम्मी पापा छोटे भाई को लेकर दवाई लेने गए थे, तभी हमारे पड़ोस का एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद है, उसने मुझे बहलाया फुसला, मुझसे कहा कि तुम्हारी मम्मी के पास ले चलता हूँ, तुम्हारी मम्मी से मिला ले। तब मैंने उसके साथ बच्चन दी, मुझे लेकर गए इमामगंज में दो लोग और मिले जिसका नाम सलीम और छोटे लाल, तीनों ने मुझे ननपारा ले जाने को कहा। मैं रोने लगी, कहा कि अगर रोगी तुम्हें जान से मार दूंगी। ननपारा लेकर गई, वहाँ की बस से मुझे आनंद विहार ले गए। आनंद विहार में एक रूम थे जहाँ पर दो लोग, उन दो लोगों का नाम है बप्पू पहलवान, बाकी लोगों का नाम क्या हुआ। फिर मेरे साथ पांच छह लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, उसके बाद में मुझसे कहा कि अगर तुम कहीं पे बयान दोगी या कहीं को करोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा को झूठी केस में फंसा दूंगी, तुम्हें फिर से उठवा कर जान से मार दूंगी। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे सिर्फ मेरे घर तक छोड़ा। तब पांच छह लोगों ने मिलकर मुझे ननपारा तक लाए, ननपारा तक इस ऑटो पर बैठा है, ऑटो वाले को 200 रुपया दिया कि मैं पकड़ा कर गला पे छोड़ दिया। ऑटो वाला मुझे पकड़ा कर गला पे छोड़ दिया, वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, मैंने उनसे कहने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी नींद से मुझे डांट कर वहाँ से भगा दिया। मैं वहाँ से अपने गांव के पुल तक आई पैदल, तभी हमारे गाँव का एक आदमी जा रहा था, उसने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। जैसा कि आप लोगों ने सुना लड़की का बयान, आइए लड़की के अब्बा से मिलते हैं जो कि इनका क्या कहना है। मास्क लगा ले। तो जैसा कि लड़की ने अभी बताया कि उसके साथ जो भी दुष्कर्म हुआ उसने एप्लीकेशन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लगभग एक महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई उस पर हुई ही नहीं है और लड़की को बार बार धमकी दी जा रही है कि अगर उसने बयान नहीं पलटा और कोई अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया तो उसको जान से मार देंगे, उसको रुपये का झांसा दिया जाता है कि अब जो बताओ उसको हम पैसे दे दें।